बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आरामसभा युवक सेलतर्फे प्रदेशाध्यक्ष महबूब शेख यांच्या आदेशानुसार प्रदेशाध्यक्ष माननीय जयंत पाटील साहेब यांच्या सूचनेनुसार आज नांदेड येथे आयटीआय येथे नांदेड शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवकांचे अध्यक्ष रौजी जमीनदार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी मोदी शासनाचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन केलं. या आंदोलनामागचा उद्देश हाच की आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पूर्ण भारतामधली जनता डिझेल आणि पेट्रोलचे भाववाढ झाल्यामुळे अत्यंत त्रस्त आहे. डिझेल आणि पेट्रोलने केव्हा 100 पार केली आणि हे भाव किती वाढ होणार याची कल्पना सर्वांनाच आलेली आहे. पक्षातर्फे युवक सेल महत्त्वाचं आहे, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मी जिल्हाध्यक्ष शहर म्हणून इथे हजेरी लावलेली आहे या आंदोलनाला. माझ्यासोबत सर्व सेलचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. रोहू जमीनदार आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी जे आंदोलन केलंय, एक वेगळ्या प्रकारचं आंदोलन केलंय, त्याला माझ्या शुभेच्छा तर होत्यात आणि त्यांचं या प्रसंगी अभिनंदन करतो. महाराष्ट्र प्रदेश की सूचना पे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के तमाम महाराष्ट्र के अंदर डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों में बार बार इजाफा होने की वजह से आम जनता परेशान है. आम जनता परेशान हो रही है. हम लोग कई आंदोलन कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही. आप पार्टी ने हमें जो आंदोलन दिया, ये आंदोलन के अंदर हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हमारे सुनील कदम साहब, तमाम सेल के हमारे युवती महिला सभी लोग मिलके हम आज आईटीआई कॉर्नर पर बैलगाड़ी आंदोलन हमारा जो है तो जारी है. और मोदी सरकार की जो धोरण है, स्टार्ट से देखिए आप, नोटबंदी के जब से देश को जो बर्बाद करने का इन्होंने काम किया है. एयरपोर्ट देखिए, प्राइवेट लोगों को देने का काम किया है, रेलवे प्राइवेट लोगों को देने का काम किया है. और किसान देखो दिल्ली में कब से बैठे हुए हैं, उनको किसानों के ऊपर गाड़ियां डालने का काम लखीमपुर में आप देखे. ये ऐसी घटना जो मोदी सरकार कर रही है. और हम जैसे हमारे महाविकास आघाड़ी के लोग अगर रोड पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, तो किसी को ईडी लगाने की ईडी की धमकी देते हैं, किसी को सीबीआई की धमकी देते हैं. आप देखिए अभी कुछ लोगों ने तो टेंडर ले रखा है कि ईडी के बारे में क्या किया जाए. झूठे मीडिया को मैनेज करके हमारे जो महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों को बदनाम करने का षड्यंत्र बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है. और जितने भी हर सेक्टर में रेट बढ़ा दिए हैं, आम जनता परेशान है. कोरोना में कई लोगों रोजगार डूब चुका है, लेकिन ये लोग जो है रोजगार डूबने के बाद भी ये लोगों को समझ नहीं रहे. महंगाई कुछ रुकने का नाम नहीं ले रही है. दो दिन, चार दिन, पांच दिन को डीजल के पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं. लोग अगर आंदोलन भी करते हैं तो ये आम जनता की इन्हें परवाह नहीं है. आने वाले 2024 में लोग इन्हें अपनी जगह बता देंगे. ये बहुत गर्मी में है लेकिन इनकी गर्मी 2024 के बाद खत्म हो जाएंगी, हमें उम्मीद है. मोदी सरकार ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा.